हेलो लर्नर्स, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियाज लर्नर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 से सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लेसन 2, दैट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की क्या भूमिका है, जानेंगे आज के वीडियो में। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द समराइज स्टडी of the complete chapter in very simple and easy explanation. So, for better understanding, you must watch the video completely. So, let's continue the video and know what are the key points of the chapter we are going to discuss in this video. The first one we will discuss about that what is health. Swasthya kya hai? Kaise define kar sakte hain ise? Next, we will know what are the health care services are there in India. Also, we will come to know what are the positive and negative aspect of it. Next, we will discuss what are the health care services. Health care services, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं किस तरह की हैं हमारे यहाँ पर? What are the public health services, private health services? At last, we will discuss about the health care and equality, in which we will discuss about that how the healthcare services are equally accessible and available to all. So, one by one, let's start discussing the topics. So, सबसे पहले बढ़ते हैं अपने first topic की तरफ. That is, what is health? स्वास्थ्य क्या है? Generally, we consider that if we are physically fit, or our body is free from any kind of disease, illness, or injuries, that we mean that we are healthy. But it's not absolutely true. Lekin yeh sach nahi hai. Health means our ability to remain free of illness and injuries. But apart from diseases, bimariyon ke alawa bhi, there are other factors that affect our health. Such as sanitation, jaise ki kuch other factors bhi hain, jo utna hi prabhav dalte hain hamare swasthya par, jaise ki sanitation hai, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, सफिशिएंट एंड न्यूट्रिशियस फूड है, प्रॉपर शेल्टर है एंड अ लाइफ विदाउट मेंटल स्ट्रेन। तो इस तरह हमने जाना कि फिजिकली फिट होने के साथ साथ मेंटली फिट होना भी उतना ही ज़रूरी है हेल्दी होने के लिए, और साथ ही सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और पॉल्यूशन फ्री प्रदूषण मुक्त वातावरण है, सफिशिएंट और न्यूट्रिशियस फूड है या प्रॉपर शेल्टर है, ये सभी फैक्टर्स भी उतने ही ज़्यादा हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए अफेक्ट डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं अपना। तो वहीं हम बात करें कि किस तरह की टू प्रिवेंट द इलनेस और इंजरीज, व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ सर्विसेज शुड बी देयर। तो हम देखेंगे कि इन इंडिया, what kind of healthcare services are there in India? India has a good public healthcare system that is run by government. सरकार के द्वारा तो भारत में एक बहुत अच्छा public healthcare system develop किया गया है और ensure किया गया है सभी के लिए, जिसमें क्या है कि हमारे पास appropriate healthcare facilities हैं, जैसे कि health centers हैं, hospitals हैं, laboratories हैं for testing and ambulance services, ब्लड बैंक्स, ये सभी उपलब्ध हैं। साथ ही टू रन दिस हेल्थ केयर सर्विसेज और फैसिलिटीज, वह हमारे पास क्या है, वी ऑल्सो हैव हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं एट्सेट्रा टू रन सच फैसिलिटीज। ऑल्सो वी हैव रिक्वायर्ड मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स फॉर ट्रीटिंग द पेशेंट्स। तो इंडिया में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी सुविधाजनक तरीके से यहाँ पर सभी का इलाज किया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो हर चीज़ के कोई ना कोई पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होते ही हैं, वैसे ही हेल्थ केयर में भी, स्वास्थ्य सेवाओं के भी भारत में देखा जाए तो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट, सकारात्मक पहलू क्या हैं भारत में? यूँ तो क्या है, इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। भारत में क्या है कि बहुत बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें क्या प्रत्येक वर्ष क्या होता है, कई सारे डॉक्टर्स बनकर तैयार होते हैं। दैट मीन्स इट्स अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स।
approximately more than 30,000 new doctors qualify is every year. तो प्रत्येक वर्ष इतने डॉक्टर्स हमें उपलब्ध हो जाते हैं. ऐसे ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज की बात करें तो ये भी क्या हो रही है, सब्सटेंशली इम्प्रूव हो रही है, ग्रोन हो रही है साल दर साल. जैसे 1950 में यहाँ पर कितने थे, 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे लगभग. तो वहीं 1991 में बढ़कर कितने हो गए, 11,174 हॉस्पिटल्स. एंड इन 2017 द नंबर ग्रू टू 23,583. ऐसे ही इंडिया में क्या है कि बहुत बड़ी संख्या में मेडिकल टूरिस्ट भी यहाँ पर आते रहते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए. अलग अलग देशों से लोग हमारे यहाँ आते हैं. तो एक तरीके से भारत में जो है काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जो कि विश्व स्तर पर जाने माने हैं. वहीं भारत क्या है, इंडिया मेडिसिन के मामले में भी क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्ज एक्सपोर्टर भी है. तो ये तो हो गए हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट कि हेल्थ केयर सर्विसेज के क्या सकारात्मक पहलू हैं. बात करें अगर नेगेटिव एस्पेक्ट की, तो वहीं हमारे यहाँ पर क्या है, जनरली देखा गया है कि जो मोस्ट डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, दे सेटल इन अर्बन एरियाज. अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे ज़्यादातर अर्बन एरियाज में सेटल हो जाते हैं और वहाँ पर अपने प्राइवेट क्लिनिक या हेल्थ केयर सेंटर्स खोल लेते हैं. इससे क्या होता है, पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर. और रूरल एरियाज में बहुत ही कम संख्या में डॉक्टर्स होते हैं जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, स्पेशली रूरल पीपल्स को या पुअर क्लास फैमिलीज को. अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस हैं एवरी ईयर. द नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड. बहुत सारी कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं जो साल दर साल लोगों को बहुत बड़ी संख्या में जिनसे सफ़र होना पड़ता है, जैसे मलेरिया है, टीबी है. तो ये सारी चीज़ें भी देखी गई हैं. वहीं हम देखें कि वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल. अभी तक भी जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं जैसे सैनिटेशन है और बहुत सारे हमने बात की, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है और पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट है, ये सभी उतने ही अच्छे तरह से इंश्योर नहीं किए जा पाए हैं. 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीजेज आर वाटर बॉर्न, जैसे कि हैं डायरिया, वॉर्म्स हैं, हेपेटाइटिस हैं. ठीक है, तो ये कम्युनिकेबल डिसीजेज का हर साल ही और भारत में जो है बहुत बड़ी संख्या में लोग इनसे पीड़ित होते हैं. ये चीज़ भी अभी तक अनचेंज्ड है ये कंडीशन. एंड हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड. अभी तक भारत की एक बहुत बड़ी संख्या में जो माइनर हैं, बच्चे हैं, वे क्या हैं, कुपोषित हैं और उन्हें जो है प्रॉपर नरिश्ड या सफिशेंट फूड भी अवेलेबल नहीं है. तो पॉवर्टी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट भी इसका बहुत बड़ा कारण है. तो बहुत सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से क्या हैं, जुड़ी हुई, एसोसिएटेड हैं. तो इसी तरह हेल्थ केयर के क्या हैं, पॉजिटिव और एस्पेक्ट दोनों ही फैक्ट हैं. हमने इनको कंपेयर किया कि किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं जो भारत में दी गई हैं और इन्हें कैसे इम्प्रूव करेंगे, आगे हम बात करेंगे. सबसे पहले देखें कि हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं इंडिया में वो किस फॉर्म में हैं. तो हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं उनको हमने डिवाइड किया है इन टू कैटेगरीज, दैट इज फर्स्ट इज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड नेक्स्ट इज प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या हैं देखेंगे. तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, द हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज दैट इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट. द पब्लिक हेल्थ सेंटर्स दैट इज रन बाय गवर्नमेंट एंड ओन्ड बाय गवर्नमेंट. सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं स्वास्थ्य, उन्हें हम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कह सकते हैं. और अलग अलग लेवल्स पे लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंश्योर कराई जाती हैं. जैसे फर्स्ट विलेज लेवल पर देखें तो विलेज लेवल पर क्या, बहुत सारे विलेज लेवल पर हैं जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं या सर्विसेज हैं. कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी दी जाती हैं और लार्ज सिटीज लेवल पर भी. विलेज लेवल की बात करें तो कई सारे क्या होते हैं, हेल्थ सेंटर्स होते हैं हमारे यहाँ जिनके ऊपर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है. और इस तरह से प्राइमरी हेल्थ सेंटर उन हेल्थ सेंटर्स को सुपरवाइज करता है और इस तरह से जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो विलेज लेवल में हेल्थ फैसिलिटीज़ को, सर्विसेज को इंश्योर करते हैं. बिकॉज इट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट
to provide the healthcare facilities as it is belong to the right to life, article 21. In district level, हमारे पास क्या है? We have district hospital, जिनके अंडर में सारे health centers काम करते हैं, और साथ ही लार्ज सिटीज की बात करें तो बहुत बड़े बड़े सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं हमारे यहाँ। इन इस तरह से पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो अलग अलग लेवल पर प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो हैं उनको इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि कई ये देखा गया है कई बार कि ये उतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इनकी सेवाएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखें कि आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी द कॉस्ट ऑफ अ क्योर के नाम से चैप्टर के अंदर, जो कि अमन और रंजन दो दोस्तों की कहानी है, किस तरह से उन्होंने फॉर ट्रीटिंग देयर इलनेस किस तरह से उन्होंने फेस किया और किस तरह की सर्विसेज उन्हें मिली और उसका क्या कॉस्ट रहा, वो सब हमने देखा था कि इस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज को, कि कौन ज़्यादा सफिशेंट है, कौन ज़्यादा जो है एक्सेसिबल है या अफोर्डेबल है। नेक्स्ट देखेंगे प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। तो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी फॉर इट्स ओन प्रॉफिट। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो किसी पर्टिकुलर जो क्लिनिक है या पर्टिकुलर पर्सन है, इंडिविजुअल हैं या कोई कंपनी है, वो अपने मुनाफे के लिए प्राइवेट क्लिनिक्स बनाती हैं और ये हॉस्पिटल्स बनाती हैं, हेल्थ सेंटर्स बनाती हैं। इस तरह से वो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, जिसके लिए वहाँ पर क्या होता है कि जो सुविधाएं हैं वह तो बहुत अच्छी होती हैं, अच्छी लेटेस्ट मशीनें होती हैं, बहुत सारी जो है फैसिलिटीज दी जाती है, सोफिस्टिकेटेड मैनर में वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट्स का, और इस तरह से काफ़ी सारी सुविधाएं तो होती हैं, लेकिन क्या होता है कि वो अफोर्डेबल नहीं होती हैं, सभी के लिए उतनी अफोर्डेबल नहीं होती हैं। दीज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रेंज फ्रॉम सिंपल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, एक्सरे हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं, टू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, कई तरह की सुविधाएं से लेस होते हैं ये, पर ये क्या होते हैं, इनका कॉस्ट इतना ज़्यादा होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वह क्या नहीं कर सकता, इनसे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं ले सकता। लेकिन बात करें पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की, तो वो उतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भी लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इस तरह से जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं वे क्या करती हैं, हमने देखा कि पेशेंट्स क्या करते हैं, हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विसेज दैट दे यूज। तो पेशेंट्स को यहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये इन दोनों को अगर कंपेयर करें यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि किस तरह से अगर भारत में इक्वालिटी, क्या इक्वली एक्सेसिबल है ये हेल्थ केयर सर्विसेज, क्या गवर्नमेंट अपनी भूमिका जो है क्या वो पूरी तरह सही तरह निभा पा रही है। तो इन इंडिया प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग, प्राइवेट सर्विसेज क्योंकि ये मुनाफा कमा रही हैं अच्छा, तो ये क्या हो रही हैं, दिन ब दिन बढ़ रही हैं, आर इंक्रीजिंग फास्ट, बट पब्लिक सर्विसेज आर द सेम। पब्लिक सर्विसेज में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला है, और सो पीपल हैव एक्सेस टू मेनली प्राइवेट सर्विसेज, इसकी वजह से लोगों को क्या करना पड़ता है, मेनली दे हैव टू डिपेंड ऑन द प्राइवेट सर्विसेज। द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट सर्विसेज इज ऑफन नॉट अफोर्डेबल। तो इस तरह से हेल्थ केयर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्या मेजर्स हम ले सकते हैं, देखेंगे किस तरह से हम इक्वली जो है हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों तक प्रोवाइड करा सकते हैं, इंश्योर करा सकते हैं। कुछ मेजर्स लेने होंगे गवर्नमेंट को। द गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एज वेल एज बेसिक अमेनिटीज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वह क्या करे, बहुत सा जो उसके अंदर है कुछ इन्हेंसमेंट करे वहाँ की सर्विसेज में, अच्छे डॉक्टर्स को लेकर आए और अच्छी मशीनें वहाँ पर उपलब्ध कराएं, साथ ही सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जैसी जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं वे भी लोगों को उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही यह भी जानना होगा हमें कि यह सिर्फ सरकार की भूमिका नहीं है, सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को उपलब्ध कराना या एक बेसिक अमेनिटीज़ को इंश्योर करना। वी द पीपल आर ऑल्सो एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है,
या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, इन सबको जो इंश्योर तभी करा सकती है सरकार जब हम उसमें उतने ही भागीदार सहयोग करेंगे। तो इस तरह से हम और गवर्नमेंट को, दोनों को मिलकर ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना होगा और साथ ही बेसिक अमेनिटीज़ को प्रॉपरली यूज़ करके हमें जो है अपनी डेवलपमेंट के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा। तो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट, सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।